पाकिस्तान के ईवीक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ने दुनिया भर में रहते हिंदू और सिख श्रद्धालुओं लिए गुरुद्वारा और मंदिरों के वर्चुअल टूर की सहूलत शुरू करने का ऐलान किया है। हुण श्रद्धालु घर बैठे पाकिस्तान के धार्मिक स्थानों पर ऑनलाइन दर्शन कर सकणगे। यह फैसला औकाफ बोर्ड की 353वीं मीटिंग में लिया गया है। ETPB के चेयरमैन सैयद अताउर रहमान की प्रधानगी हेठ ऑनलाइन टूरिज्म राही मालिया वधाउण ते भी विचार किया गया है। मीटिंग विच हिंदू और सिख समूहों के गैर सरकारी अधिकारियों ने भी शमूलियत की है। ETPB के बुलारे अमर हाशमी का कहना है कि पाकिस्तान सरकार पहले पड़ाव करतारपुर साहिब, ननकाणा साहिब, पंजा साहिब, कटासराज मंदिर, साधु बेला मंदिर समेत पांच मंदिरों और गुरुद्वारों के दर्शनों लिए ऑनलाइन सेवा शुरू करेगी। इस तो बाद होर धार्मिक स्थानों भी जोड़िया जाएगा। मीटिंग विच वजीफा राशि के नाल नाल पाकिस्तान विच रह रहे घट गिणतियां लई वजीफिया की गिणती विच भी वाधा किया गया। इस तो पहला 110 लोगों नू वजीफा दिता गया सी, हुण 1000 लोगों नू 10,000 रुपए प्रति महीने दिते जाणगे। दस दिए कि ETPB पाकिस्तान की एक सरकारी संस्था है जो देश की आज़ादी के समय पाकिस्तान तो प्रवास करने वाले हिंदुआ सिख अते होर दी जायदादा अते धार्मिक स्थानों की देखभाल करती है। पाकिस्तान सरकार वालों शुरू की गई ऑनलाइन धार्मिक यात्रा की सहूलत बारे श्री दुर्गयाना मंदिर कमेटी के मीडिया इंचार्ज पिंक राज का कहना है कि इस नाल वो लोग भी जा सकणगे जो किसी कारण उत्थे नहीं जा सकते, पाकिस्तान विच उन्हां दे मंदिरां दे दर्शन करो घर बैठे दर्शन।